15 नवंबर को खूंटी से पीएम मोदी के द्वारा शुरू किए गए संकल्प यात्रा को बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने ऐतिहासिक बताया है। आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड राज्य के 9 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। पीएम मोदी के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है। वहीं राज्य की हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार केवल कमाने वाली सरकार है। और इस यात्रा के निमित्त झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश संयोजक का भी हम लोगों ने मनोनयन करने का काम किया, जो जमशेदपुर समाज वरिष्ठ कार्यकर्ता नंद जी प्रसाद जी हैं और विभिन्न जिलों विभिन्न मंडलों में इस राज्य में आने वाले विभिन्न स्तरों पर पंचायत स्तर तक हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लगाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 तक देखने का जो संकल्प है सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी लोग उनके साथ लगन के साथ जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य को करने का काम करें।